नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और इसी घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जब वो नहीं माना तब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकत और सेना थी लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। तो दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है बल्कि रावण तो जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास वीडियो। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। और इसी में एक ऐसी जगह भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊँची है पर कहते हैं यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। दोस्तों, शोध में भी ये पता चलता है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। यहाँ पर 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। दोस्तों, रावण के मारे जाने पर राम भगवान ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो सब रावण को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। तो दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर होगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उस समय शैल संप्रदाय में समाधि लेने की भी परंपरा थी और रावण शैल संप्रदाय से था। कहते हैं इसकी वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है, और हो भी क्यों ना। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा है। दोस्तों, इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण करके उन्हें रखा था उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। दोस्तों, आपने कई सारी वीडियोस में भी देखा होगा श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावणास केव। इसे रावणेला के नाम से भी जानते हैं, जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी कि 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों, रावणेला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है, इसीलिए इसे रावणेला गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जहाँ रावण ने कुछ साल भी बिताए थे। ये जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रीलंका के बांद्रा विला से 11 किलोमीटर दूर है। इस झरने को देखने के लिए आज भी लोग लाखों की संख्या में श्रीलंका आते हैं और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। दोस्तों, गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ भी अब काफी टूट फूट चुकी हैं। तो दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करके श्रीलंका ले गया था तो अशोक वाटिका में रखने से पहले उन्हें एक गुफा में रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुफा आज भी वहाँ मौजूद है, जो देखने में कोबरा सांप जैसी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ ढेर सारी निशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है। दोस्तों, रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, ये हम सब जानते हैं, और ये भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना ही रहता है।
अब दोस्तों, सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की पेशकश की, लेकिन सीता माता ने रावण के महल में रहने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए रावण ने इन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया। सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। कहते हैं रावण का महल आज भी मौजूद है, जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था, उसके भी अवशेष यहाँ मौजूद हैं। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसी महल को बजरंग बली ने अपनी पूंछ के साथ जला भी दिया था। दोस्तों, लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीति जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वो आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। श्रीलंका में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कई गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, और वो ये कहती हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती भी है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था, और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा हॉन्ड्रस भी जाती हैं, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। दोस्तों, रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल्कि अवतार, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे, उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करें? तो दोस्तों, अब आपने तो सुन ही लिया कि कितने सारे फैक्ट्स के बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि रावण आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मम्मी आज भी उसी पहाड़ी पर सुरक्षित स्थित है। दोस्तों, देखा जाए तो रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण है। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू टोने आते थे। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। दोस्तों, रावण भले ही कितना बड़ा धर्मी रहा हो, परंतु वो आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। दोस्तों, रावण वीणा वादन किया करता था और वो इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका सबसे पहला विवाह मंदोदरी से हुआ था। दोस्तों, मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में ये भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडोर है, वहाँ की रहने वाली थी। उसका विवाह रावण के साथ हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर थे। इसके अलावा रावण की बहन स्वरूप नखा का विवाह भी रावण ने ही करवाया था। स्वरूप नखा के पति का नाम दानवराज विधु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब माता सीता का हरण हुआ था, तब इसी बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम को सीता माता जी के बारे में पता चला कि वो कहाँ पर कैद हैं, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ मिलकर श्रीलंका के रास्ते पर वो निकल पड़े, लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। उसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। राम नाम लिखे जाने से पत्थर पानी में तैर रहे थे, जिसके बाद उनकी पूरी सेना ने मिलकर श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रामायण में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे।
दोस्तों उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए थे तो आखिर वो पहाड़ है कहाँ। चलिए दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं, जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पेड़ देखने को मिलेगा जिसे आज द्रोणगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी उठाकर श्रीलंका तक ले आए थे। इसी तरह जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो सका। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां पर जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर गिरा था। दोस्तों रामायण युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में ये हाथी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ये बात काल्पनिक लगती थी, लेकिन अब श्रीलंका ने पुरातत्व विभाग ने शोध करने शुरू कर दिए हैं तब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। अब जरा इसके आगे सुनिए। दोस्तों रामायण अगर आपने पढ़ी या देखी है तो आपको पता होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये साबित करती है कि इतिहास में यहाँ पर कभी बहुत ही बड़ी आग लगी थी। दोस्तों रावण का वध करने के बाद एक ऐसा भी समय आया जब सीता माँ को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह को दिवुरुम्पला कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या रावण आज भी जिंदा है? अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।